पबजी बैन इन इंडिया, यहां पे आपको पता है इंडिया वर्सेस चाइना कंट्रोवर्सी चल रही थी। पिछले दिनों इंडिया की गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर चाइना की 59 ऐप्स को बैन कर दिया था, ये तो आप सबको पता है। लेकिन यहां पे आज न्यूज आई है निकल के सामने कि यहां पे पबजी को भी बैन कर दिया जाएगा। यहां पे मैं आपको बता दूं, इंडिया की गवर्नमेंट ने 47 ऐप्स को बैन करने का फैसला कर लिया है, हुक्म दे दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, 47 ऐप्स, ये 47 ऐप्स वो है जिनको पहले बैन कर दिया गया था लेकिन उनके क्लोन यहां पे बना लिए गए। जैसा कि आपको पता है टिकटॉक बिगो वगैरह को बैन कर दिया गया था इंडिया के अंदर, लेकिन उसके बाद प्ले स्टोर पे क्या सीन चला, टिकटॉक वालों ने बिगो वालों ने टिकटॉक लाइट बनाई, बिगो लाइट, ओके, इन एप्स को लाइट वर्जन में बना के प्ले स्टोर पे डाल दिया और लोग यहां पे इनको यूज करने लगे। लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट में ये एप्स नजर आ चुकी है, अब उन्होंने इसको भी बैन करने का फैसला कर लिया। 47 एप्स है ये जिनके क्लोन बने थे, इन सभी की सभी एप्स को बैन करने का फैसला कर लिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं बता दूं, उन्होंने ये भी बोला है, इंडिया की गवर्नमेंट ने यह भी बोल दिया है कि नस हम 250 एप्स पे कंसिडर कर रहे हैं, उनको भी हम बैन करने वाले हैं इंडिया के अंदर। उन 250 एप्स के अंदर यहां पे पबजी, ओके, पबजी को उन्होंने हाईलाइट किया है। इसके साथ अली एक्सप्रेस, आपको पता है अली एक्सप्रेस कितनी बड़ी साइट है, इसको भी हाईलाइट कर दिया गया है कि इंडिया के अंदर पबजी को तो बैन किया ही जाएगा, साथ अली एक्सप्रेस को भी बैन कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ 250 एप्स और ऐसी है जो कि चाइना की एप्स है, उन सभी की सभी एप्स को इंडिया के अंदर बैन कर दिया जाएगा। यहां तक बात कर ली इंडिया की, यहां पर मैं आपको बता दूं पाकिस्तान के अंदर पहले से ही पबजी को बैन कर दिया गया है। 1 जुलाई से पबजी को बैन कर दिया गया था, आज यहां पे 27-28 डेट हो चुकी है, लेकिन अभी तक पबजी को अनबैन नहीं किया गया। फ्राइडे वाले दिन पबजी को अनबैन करने का फैसला कर लिया था हाईकोर्ट के जस्टिस उमर फरूक ने, यहां पे फैसला कर लिया था कि पबजी को पाकिस्तान में अनबैन कर दिया जाए, लेकिन अभी तक ये पबजी यहां पे काम नहीं कर रही, इसके सर्वर अभी भी वैसे ही है जैसे पहले आपको एरर देखने को मिलता था। अब देखो यार ये कब तक चलता है, क्या बनता है। तो यार बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको यही बताने आया था कि इंडिया के अंदर एप्स को बैन कर दिया जा रहा है, ओके, पबजी का नाम भी उस लिस्ट में शामिल हो चुका है। तो यह वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कर देना, नेक्स्ट इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।